अलग अलग तरीके से रीमा से बात किया जा रहा है। अभी तक से साइड कभी लगी है ना, पहले से ही लेके जाती थी, अब लेंथ टाइट होने लगी है। हाँ इधर तो पापा मैक्स के साथ खेलने चले गए तो पूरा घूम के देखिए कहां पे कोई आ जाए। और एक भाई साहब यहाँ है जो नारियल उठा के और उसमें गंदगी भी लगा रहे हैं। खुशी आ गई ना इसको। हाँ सब आता है इसको, देखो हाथ है प्रॉपर इसके पास। अंदर जीभ घुसा के चाट रहा है मलाई। भाई साहब खतरनाक। ये भाई साहब देखना यार कैसे खा रहा है। पहले भी इसने बहुत सारी नारियल खाया बट ऐसे जीभ घुसा के हाथ से पकड़ के मैंने इसको बैठ पर देखा। थोड़ा मम्मा के साथ शेयर कर दो, थोड़ा मम्मा को दे दो। आज हमें एक कमेंट आया था जिसने अविनाश को चैलेंज दिया है कि मैक्स के मुंह में एक मिनट तक हाथ डाल के रखने के लिए। तो हम बता दें कि एक मिनट क्या, हम इसके मुंह में बहुत देर तक हाथ डाल के रख सकते हैं। अविनाश क्या मैं भी डाल के रख सकती हूँ और ये कुछ नहीं कहेगा, बट ऐसा करने से ये बहुत परेशान हो जाएगा क्योंकि इसको पता है कि हमें काट नहीं सकता है। तो एक मिनट तक उसको अगर हम मुंह में हाथ डाल के रखेंगे तो उसको बहुत दिक्कत होगी। तो कृपया ऐसे चैलेंज मत दिया करो जिससे हमारे बच्चे को दिक्कत हो। आपका चैलेंज पूरा करने के लिए हम अपने बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकते। ये देख लो कुछ नहीं कहेगा। मैं उसको इरिटेट कर रही हूँ, वो अपना फेवरेट चीज खा रहा है, मैं फिर भी उसको इरिटेट कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है। तो कृपया ऐसे चैलेंज मत किया करो। नारियल छीन ले इसका नारियल। ये नारियल मैं लूंगी, मुझे दे दो ये नारियल। यहाँ दो लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं, आपको भी चाहिए। इधर हमारा युद्ध चल रहा है, उधर रीवा और नानू की बातें चल रही है, तो आपको दो दो साउंड सुनने को मिल रहा है। चाहिए तो तुझे पता क्या करना है, चाहिए एक से नहीं होगा, और चाहिए और कर। आप उसको इतना टॉर्चर नहीं कर सकते हो। ओहो झूले में चला गया। अब लेके दिखा उसको ना, भौंकेगा, सुबह भौंक रहा था बॉल को। अब लेके दिखा देखिए। हाँ तुम्हारे भौंकने से निकल के आ जाएगा। और उसकी नैपी को छोड़। पगला है। फाइनली इसको नारियल मिल गया वापस। गुस्साता है जैसे इसके भौंकने से बाहर आ जाए। हाँ डर के मारे बाहर आ जाएगा, कांपने लगेगा डर के मारे, है ना। उसके अंदर थोड़ी सी मलाई का लेयर होगा, बहुत ही हल्का सा, और उसी को चाटने में लगा हुआ है भाई साहब। धीरे धीरे उसका मुंह खोल के चौड़ा कर देगा बिल्कुल इतना, और पूरा मुंह घुसा देगा उसके अंदर। ये ऐसे ऐसे काट काट के करता है। इन लोग को मैंने एक काम दिया है करने के लिए, देखते हैं ये काम कामयाब हो पाते हैं नहीं। आउटर वाला आपको भरना है इसमें, और इनर वाले में मैं पानी भरूंगी। ओके इसको हर चीज़ जाननी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसे थोड़ा दूर ही रखो, इसका एक पंजा उस पर गया नहीं और काम हो गया खराब। ओ चढ़ गया उसके ऊपर, तेरे को रब दबाता है। उसकी मासी ने उसको गिफ्ट दिया ये। हाँ बैठो मेरे पास बैठो। सो ये रीवा का प्ले मैट है, उसकी मासी ने उसको गिफ्ट किया है। इसमें इसको बिठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पंजा वंजा मार देगा। काम कर लेना तो फिर चलेंगे, है ना। ये रीवा का प्ले मैट है, उसकी मासी ने दिया था ये टमी टाइम के लिए। इसमें हम इसको रीवा को टमी टाइम देंगे। आउटर लेयर में इसमें हवा भरी जाएगी, इनर लेयर में पानी भरा जाएगा।
इसको देखो डर के मारे कैसे भाग गया है। डरपोक बिल्ला बिल्ला डरपोक बिल्ला। राइडिंग वाला कहाँ पे काम आ रहा है देखो। ऐसे हमने घर पे वैक्यूम क्लीनर से वो स्विमिंग पूल भरा था, वो तो बहुत बड़ा था ना इसलिए ये तो इससे हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इसको इन्फ्लेट कर दिया है। उस टाइम क्या था, जो हमारा पंप था वो डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि वो स्पीति राइड के बाद से कभी चार्ज ही नहीं हुआ था, तो फिर हमने उसको चार्ज करके दोबारा से इसको इन्फ्लेट कर दिया, अच्छे से हो गया है। सो दिस हैज़ एयर दिस हैज़ वाटर, है ना। और इसको क्या बोला जाता है, ये टमी टाइम देने के लिए होता है, प्ले मैट। ओके चलो कराओ। सो ये इसका टमी टाइम है, इससे फ़ायदा क्या होता है इसमें, अभी ये छोटी है ना उसको इतना समझ नहीं आ रहा, जैसे ये फिशीज हैं। अब हाँ। जब बच्चा अपनी नेक अच्छे से संभाल लेता है, वो फिशेस के साथ प्ले करता है तो उसको अच्छा लगता है, और बेड पे हम लिटाते हैं तो इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाती। ये थोड़ा सा वाटर वाला है तो इसको थोड़ा सा सही लगेगा। मतलब इससे फायदा क्या होता है टमी टाइम से? टमी टाइम से फायदा होता है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरा बच्चा टाइम से मतलब अपनी नेक संभालना हाँ। सीख जाता है क्योंकि इससे, और तीसरा ये उससे ये वाली जो मसल्स होती है ना बच्चे की, ये स्ट्रांग होती है। गैस वाला प्रॉब्लम नहीं होता और पीछे देखो आया है स्ट्रगल से बचाने वाला। हाँ जी जी बाबा, अभी उसको एक्चुअली देखो कितना क्यूरियस है, कितना क्यूरियस है देखो। देखो अभी ये बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहती है, देखो कैसे अपने आप को स्ट्रगल करी है गर्दन संभालने में। चलो अब हम इसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हाँ। मतलब गैप गैप में दूंगी मैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मैं मुंह लाल कर ली, देख लो जरा इसको। कम मैडम कम मेहनत करोगी तभी तो नेक्स्ट संभलेगा। वैसे तो बहुत हद तक इसने संभाल ली है, बट जो तीन तीन दिन तक पॉटी नहीं कर रही है ना वो भी करने लगेगी अगर ये ढंग से ये टमी टाइम करने लगे तो। ओके अब मैं एक बार फिर लेटाऊंगी, रोएगी जरूर। दिस इज राउंड टू एंड आई थिंक शी हैज स्टार्टेड टू एंजॉय दिस, उसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा शरीर पे वजन भी पड़ता है इसलिए आई थिंक अब वो दोबारा से स्ट्रगल मोड में आ गई। पहले राउंड में इसलिए रो रही थी क्योंकि सुसु कर दी है, नाउ शी इज एंजॉयिंग। इसमें कलरफुल ये फिशेस हैं, ये सब बना हुआ है ना, हाँ। रोज देंगे तो ये यूज करेंगे। वाओ ओरे ओरे उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, बहुत स्ट्रगल हो गया आज के लिए, बहुत स्ट्रगल हो गया आज के लिए, बस इतना है। अभी इसको थोड़ा कफ भी हो रहा है ना, हाँ इसलिए वजह से भी प्रॉब्लम है। ठीक है आ जा तू भी आ जा। मैकड़ू किसने लगा दी चिमटी पे, इसमें आपको गलती से भी बेटा एक भी टीथ नहीं लगाना है, रीवा को बचाने के चक्कर में इसको फाड़ दे। टीथ है ही नहीं बेचारे के, छोटे छोटे तो हैं देख लो, छोटे छोटे सारे टीथ इसके छोटे हैं, एक भी बड़ा नहीं है, है ना। एक भी टीथ बड़ा है तुम्हारा, दिखा देखो बेचारी को ऐसा टमी टाइम कराया, दो बार सुसु निकल गया उसका देखना। डू यू वांट टू सिट ऑन दिस।